अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप जो है ना परफेक्ट आई का कॉर्नर किस तरह से बना सकते हो और आई लाइनर किस तरह से परफेक्ट लगा सकते हो, जिसके लिए हम स्कॉच टेप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपनी आईब्रो को फिलअप करने वाली हूँ। इसके लिए मैंने मुझे रत्मिस्पा का आईब्रो पैलेट लिया है, ब्यूटीफाई बाय आमना का ब्रश है एंड यहाँ पर मेरे पास स्कॉच टेप है। आप कोई भी स्कॉच टेप ले सकते हो, ट्रांसपेरेंट वाली, ब्लैक वाली, रेड वाली, ब्लू वाली, ग्रीन वाली, कोई भी कलर चलेगा। बट आपने इसको लगाना इस तरह से है कि आप छोटा सा पीसेस का कट करके आई के कॉर्नर पर रखोगे अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, जितना ऊंचा या जितना तीखा जो है वो कॉर्नर आप बनाना चाहते हो। उसके बाद एक कोर्स स्ट्रिप लोगे, बट उसको आपने ज़्यादा चौड़ा नहीं रखना और उसको आपने इस तरह से आई के कॉर्नर पर ऊपर वाले साइड पर बहुत तरीके से सेट करना है, जिस तरह से कॉर्नर बनता है बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर जो है ना कुछ इस तरह से लुक देगा। उसके बाद यहाँ पर मैं जो है ना ब्यूटीफाई बाय आमना का ही नाइट क्वीन पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर से मैंने डार्क ब्राउन कलर लिया है और इसके साथ ब्लेंडिंग ब्रश लेके हम जो है ना ये वी बनाया है ना जो हमारा टेप वाले साइड पर, इसके बहुत अच्छे से जो है वो यहाँ पर इस कलर के साथ ब्लेंडिंग करेंगे। और हमने इस टेप से बाहर नहीं लेके आना इस कलर को, इसी एरिया में रहते हुए ही हमने इस कलर को ब्लेंड आउट करना है। जब आपको लगेगा कि बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग हो चुकी है, फिर सेम पैलेट के अंदर से मैं कॉपर कलर लूँगी। अच्छा, यहाँ पर कलर जो है ना स्कीम वो मैं अपने हिसाब से यूज़ कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से यूज़ करोगे। जो भी आपके ड्रेस में कलर्स अवेलेबल हैं, गोल्डन, पिंक, सिल्वर, जो भी कलर आपको चाहिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ग्लिटर भी अप्लाई कर सकते हो, डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। जब पूरे आईलेट पर अच्छे से कॉपर कलर या जो भी कलर आप लगा रहे हो वो अप्लाई हो जाएगा, देन मैं जो है ना एक डल गोल्डन कलर लूँगी, आप इसकी जगह सिल्वर कलर भी ले सकते हो, और उसको अपने इनर कॉर्नर पर अप्लाई करूँगी फिंगर के साथ ही। और फिर मैं उसको ब्लेंड ब्लेंड करते हुए ऊपर वाले साइड पर ले आऊँगी। ये बड़ा मज़े का लुक देगा आपको। अच्छा, यहाँ पर मुझे आपका थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा, मैं फीमेल्स के बहुत ही कॉमन इशू को डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर कोई मेल पर्सन मेरी ये वीडियो देख रहा है तो काइंडली ये पार्ट जो है वो स्किप कर दें, क्योंकि ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है। तो बहुत सारी लड़कियाँ जो है ना वो परेशान है अपनी बॉडी शेप की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि बॉडी शेप अगर अच्छी नहीं होती तो कपड़े पहने हुए भी अच्छे नहीं लगते, और इस वजह से जो है ना वो बहुत सारी लड़कियाँ परेशान रहती हैं, पूछती हैं, और ये ऐसा कॉमन इशू है जो कि हम हर किसी के साथ डिस्कस भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मेरे पास बेस्ट ऑयल के नाम से एक ऑयल है, बहुत ही जबरदस्त ऑयल है, और ये पर्सनली मैं जो है ना ये यूज करवा चुकी हूँ 3 से 4 लोगों को, विजिबल रिजल्ट्स हैं इसके। मतलब अगर आप इसको कंटिन्यूसली यूज करते हो ना तो 10 से 12 दिन में आपको जो है ना क्लियर डिफरेंस जो है वो फील होना स्टार्ट हो जाएगा। आप इसको ब्रेस्ट एनलार्जमेंट के लिए भी यूज कर सकते हो और आप इसको फिर्मिंग के लिए भी यूज कर सकते हो, दोनों सूरत में ये बहुत ही जबरदस्त है। इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, आप थोड़ा सा मसाज करोगे तो ये स्किन के साथ एडजस्ट हो जाता है, आपको बहुत ज्यादा जतन नहीं करने पड़ते इसके लिए, और चिपचिप वाला कोई सीन नहीं है। तो आप इसको दिन में 1 से 2 बार यूज कर सकते हो तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा आपको। और अगर आप इसे ऑर्डर करना चाहते हो तो आपको गूगल पे वेबसाइट है एक लेडीज शॉप पीके के नाम से, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और स्क्रीन पर आपको नंबर नजर आ रहा होगा, आप वहां से ऑर्डर करके इस ऑयल को जो है ना वो अपने डोर स्टेप पे मंगवा सकते हो। वापस चलते हैं जी अपनी आई मेकअप की तरफ। तो यहाँ पर हम जो है ना ऊपर वाली जो स्कॉच टेप है वो हम रिमूव करेंगे, नीचे वाली टेप आपने अभी रिमूव नहीं करनी। सबसे पहले हम इसको ऊपर से थोड़ा क्लीन करेंगे, थोड़ा ब्लेंड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि एक शार्प सी लाइन बनी हुई थी, तो हमने उसको ऐसे ही नहीं छोड़ना, हमने उसको बहुत अच्छे से ब्लेंड आउट करना है। सेम सीरीज वाला, सेम कलर जो हमने लगाया था वही वाला कलर हम लेंगे ब्लेंडिंग वाले ब्रश के साथ, और उसको हम बहुत अच्छे से ब्लेंड आउट करेंगे जब तक कि अच्छा सा ब्लेंडेड लुक जो है वो नहीं आ जाता। उसके बाद मैंने सेम पैलेट में से सिल्वर कलर लिया और उसको मैं अपने ब्राउन एरिया पर अप्लाई कर रही हूँ। इनर कॉर्नर पर ज़रूरत नहीं है अप्लाई करने की, बिकॉज हम ऑलरेडी वहाँ पर अप्लाई कर चुके हैं। एंड लाइनर के लिए मेरे पास परफेक्ट फेस का केक आई लाइनर है, और मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करते चलूँ कि केक लाइनर जो है ना वो वाटर प्रूफ नहीं होते। तो अगर आपने ब्राइडल्स को या फिर पफी या हुडी डाइज वगैरह वालों को अप्लाई करना है लाइनर, तो आप केक लाइनर नहीं लगाओगे, क्योंकि केक लाइनर फैल जाएगा ऐसी आइज पर, और दुल्हन को तो बिल्कुल नहीं लगाना क्योंकि वो रोएगी, तो लाइनर जो है ना वो ख़राब होगा, आई मेकअप फैल जाएगा, ठीक है। तो आपने उनको लिक्विड लाइनर्स यूज़ करने हैं, और फिर जब हम लाइनर अप्लाई कर लेंगे देन हम जो है वो टेप रिमूव करेंगे जो हमने नीचे वाली साइड पर अप्लाई की थी। एंड यू कैन सी कि बहुत ही मज़े की शेप जो है वो बन चुकी है हमारे लाइनर की भी और हमारी आइज़ की भी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अगर आपको ज़रूरत है ग्लिटर लगाने की तो आप लगा लो, नहीं तो आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। और यहाँ पर आपको जो है ना बेस वो लास्ट पे बनानी पड़ेगी, बिकॉज मैंने टेप अप्लाई की हुई थी। ऑब्वियसली अगर आप पहले से बेस बना के रखोगे तो टेप के साथ ही आपकी बेस भी उतर जाएगी, तो आपने इसलिए पहले आई मेकअप करना है पूरा। उसके बाद जब आई मेकअप हो जाएगा टेप रिमूव कर देंगे, उसके बाद बेस बनाएंगे और फिर अंडर आई मेकअप जो है ना वो हम करेंगे, ठीक है। और अंडर आई के लिए भी मैं सेम सीरीज वाला कलर जो है वो ब्लेंडिंग ब्रश के साथ अप्लाई कर रही हूँ। आईज़ के अंदर व्हाइट कलर अप्लाई करेंगे ताकि आँख जो है वो थोड़ी बड़ी लगे, जैसे कि आइज़ के ऊपर कलर जो है वो डार्क सीरीज़ में है, तो हम आइज़ के अंदर लाइट कलर लगाएंगे ताकि आँख थोड़ी बड़ी लगे। उसके बाद ही मैबेलिन का कोलो ऐसे ऐसे अलमस्कारा है लैशेज़ को बहुत अच्छे से वॉल्यूम देने के लिए। इसके बाद आप जो है ना चाहो तो लैशेज़ भी लगा सकते हो, नहीं तो ऐसे भी आप अपनी
रियल लैशेज को भी वॉल्यूम दे सकते हो। एंड इसके साथ ही फाइनल लुक जो है वो आप लोगों के सामने है। और जो मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं जो है ना बहुत ही आसान मेथड आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। मैं कोशिश करती हूं कि जितना इजी हो सके ना मैं उस आई मेकअप को करके आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि मेरी वीडियो ज़्यादातर बिगिनर्स देखते हैं तो मुझे जो है वो लगता है कि मुझे उनके लिए आसानी पैदा करनी चाहिए। क्योंकि स्टार्ट में जो है ना हर चीज़ ऐसे लगती है कि जैसे हाय ये तो बहुत मुश्किल है, ये नहीं हो पाएगी, लेकिन इतनी मुश्किल होती नहीं है जितना हम उसको समझ लेते हैं। तो इस वजह से मैं जो है ना उसको आसान से आसान तर करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इनर विंग भी आप इसी तरह से छोटे छोटे स्ट्रोक में बना सकते हो। काम कोई भी इम्पॉसिबल नहीं होता, थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन आपने हार नहीं मानी, आपने उसको करके छोड़ना है। चाहे 5 दफ़ा करके प्रैक्टिस करें, 10 दफ़ा करके प्रैक्टिस करें, एट लास्ट वो काम जो है ना वो आपसे हो जाएगा। और जिस काम से डर लगे उस काम में तो घुस जाना चाहिए, ठीक है ना। सो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे इंस्टाग्राम पर लाजमी फॉलो कर लें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, दुआ में याद रखें, मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।